नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। अगर आप न्यू विजिटर हैं या फिर हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं राहुल कुमार इसी तरह से आप लोग के लिए बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज, स्टडी मटेरियल्स और बहुत सारे सॉल्यूशंस लाता रहूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। सोशल साइंस 10th में, CBSE 10th में पूछे गए क्वेश्चन का फुल एनालिटिक सॉल्यूशन। चलिए यहाँ पे आज CBSE में पूछे गए साइंस का क्वेश्चन पेपर है और चूंकि कुछ स्टूडेंट का इंग्लिश में तो अपलोड किया ही गया है और कुछ स्टूडेंट्स का आया कमेंट कि सर इसको आप हिंदी में भी अपलोड कर दें, तो मैं इसको हिंदी में भी अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। कुछ क्वेश्चन के मैं डायरेक्टली आंसर करूँगा, कुछ क्वेश्चन को हिंट करूँगा कि उस तरह से आपने किया है क्योंकि सोशल है और कुछ क्वेश्चन सेंस पे होते हैं, तो सेंस वाले क्वेश्चन जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, तो उन सारे क्वेश्चन को मैं हिंट करूँगा। चलिए, ये अब जो ये क्वेश्चन चुनौती कोई समस्या नहीं है बल्कि उन्नति का अवसर है, इस कथन का विश्लेषण करें। तो देखिए, जैसे होता क्या है, चुनौती क्या है, चैलेंज क्या है। जैसे अभी मान के चलिए आपके आपका एग्जामिनेशन अभी चल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, दिन दुनी रात चौगुनी मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे हुए हो। तो यानी कि आपके लाइफ में चैलेंज आने की वजह से आपने अपने पढ़ाई के अपॉर्चुनिटी को, आपने अपने पढ़ाई के लेवल को क्या किया, इंक्रीज कर लिया। तो डैट मीन्स ये जो चुनौती आई, क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि चुनौती आई है ना, टेंथ एग्जामिनेशन आया आपके लिए, चुनौती आई, तो आपने क्या किया, अपने पढ़ाई का लेवल एकदम इंक्रीज कर लिया जिससे आपको उन्नति हुई आपकी। तो डैट मीन्स जब चुनौती आती है तो ये हमारे लिए उन्नति का अवसर है, चुनौती कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट का आंसर इस टाइप से, या आपने इससे रिलेटेड कोई आंसर दिया होगा तो बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो टाइप के होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में आ गए जीव जंतु, जैसे पौधे आ गए, जानवर आ गया जो हम जिसको हम लोग संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं, और अजैविक में आ गए जल, नदियां, जमीन, पहाड़ वगैरह वगैरह, भूमि, पहाड़ वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा तीसरा है, रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर क्यों पाबंदी लगा दी। तो इसका आंसर इस तरह से बनेगा, क्योंकि जो अच्छे अच्छे राइटर्स थे उन्होंने जो पूरा सिस्टम है, जो मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी धार्मिक प्रथाएं थी, जो भी धार्मिक मान्यताएं थी, उन सबों पर जो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उन्होंने कुछ इस टाइप के कमेंट्स किए थे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो लोग जो है, जो रोमन कैथोलिक चर्च में जो पादरी थे, जो प्रिस्ट से थे, उनसे क्वेश्चन करने लगे कि कौन से रूल रेगुलेशन सही हैं, कौन से गलत हैं, ये ऐसा है तो क्यों है। तो ऐसे लोगों में यहाँ पे काफ़ी उस टाइम उबाल आया था, तो इसीलिए रोमन कैथोलिक चर्च के लोगों ने क्या किया कि प्रकाशकों और पुस्तकों के पुस्तक विक्रेताओं पर ही सीधे पाबंदी लगा दी कि ना ये लोग पढ़ेंगे और ना ही इतने उग्र होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास जनभाषा, उपन्यास में जनभाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, जनभाषा का मतलब होता है कि जनभाषा कॉमन लोग बोलते हैं, साधारण लोग, डैट मीन्स गरीब लोग, अमीर लोग, सारे लोग बोलते हैं। जनभाषा मतलब जन की भाषा। तो उपन्यास को जनभाषा में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपन्यास को, उस नॉवेल को पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में बैठक क्यों हुई। तो जो जर्मन चांसलर था जिसका नाम था बिस्मार्क, जर्मन चांसलर ने उस टाइम जो अफ्रीका था उसके लिए एक इसने ट्रीटी बनाई, यानी कि बनाने के लिए जर्मन चांसलर बिस्मार्क ने, चूंकि उस टाइम जो हमारा जो ये अफ्रीका था वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में था, तो एक फॉरेन रूल, उसके लिए एक विदेशी ट्रीटी बनाने के लिए बहुत सारे ताकतवर देशों को वहाँ बैठक में बुलाया, बर्लिन में बिस्मार्क ने। तो मतलब इसका फाइनल आंसर हो गया कि अफ्रीका के लिए एक रूल वहाँ बनाना था इसीलिए इसको बुलाया गया, अफ्रीका के लिए एक विदेशी व्यापार रूल बनाना था इसलिए इसको बुलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों में सौदागर गाँव की ओर रुख क्यों करने लगे। क्योंकि गाँव में जो सिंपली थे, किसान थे, गरीब लोग थे, इलिटरेट यानी कि अनपढ़ लोग थे, तो उन लोगों के साथ सौदा करना, उन लोगों से कम पैसे में ज़्यादा सामान की वसूली करना या उनको अपने हिसाब से कोई भी बात मनवाना, इनके लिए काफ़ी
आसान था, सो डैट इन्होंने सोचा कि चलो अब गांव पे ही अपना पूरा डेरा जमाते हैं। तो इस टाइप का से कंसर्निंग अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल आपका सही जाएगा। 1887 में लिवरपूल के एक जलपोत मालिक चार्ल्स बूथ ने ईस्ट एंड यानी पूर्व ईस्ट इंड यानी पूर्वी छोर में लंदन में अल्प कुशल मजदूरों का पहला सामाजिक सर्वेक्षण क्यों किया। वो जानना चाहते थे कि ये जो इतने छोटे माइंड के इलिटरेट और ये जो कम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कंपनी के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो इनके सोच से ही पता चलेगा कि क्या ये सोचते हैं और किस तरह की इनकी विचारधारा है जिससे मैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकूं या फिर एक बिजनेस सेटअप किया जा सकता है। तो अगर इस टाइप का आंसर आपने दिया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो इस प्रकार की गतिविधियां किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पिछला बार पिछला जो इंग्लिश वाला मैंने किया है उसमें लिखा हुआ था कि ये नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमी, लेकिन ये प्राथमिक क्षेत्र इसमें आंसर होगा, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन था कि अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के अनौपचारिक क्षेत्र के उदाहरण दे, तो इसमें ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी आपका आएगा, ट्रेडिंग यानी वही इसमें आप लिख सकते हैं, ट्रेडिंग को भी हिंदी में लिख सकते हैं, ट्रेडिंग, ब्लैक मार्केटिंग यानी काला बाजारी, फिर इस टाइप से मुद्रा लेंडिंग जो है वो इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के अतिरिक्त विकास के किन्हीं दो लक्ष्यों के उल्लेख करें, तो आय के अतिरिक्त किसी भी आदमी कोई भी आदमी डेवलपमेंट करना चाहता है, क्यों चाहता है, केवल पैसा के लिए नहीं, वो चाहता है कि उसका फैमिली अपने परिवार के अच्छे से पोषण के लिए, स्वयं के रेस्पेक्ट के लिए, स्वयं के आदर के लिए, वो चाहता है कि उसको भी समान ट्रीटमेंट मिले, उसको समान सिक्योरिटी, समान सुरक्षा मिले, उसको समान सेवा मिले और उसको उसके फ्रेंड्स भी उसके रिलेटिव्स भी उससे क्लोज रहें। तो विकास का एक ये सारे और भी लक्ष्य हो सकते हैं, मैं तो तीन चार बता गया, इसमें दो ही बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणामों को निर्धारित करने वाले तीन कारकों के नाम लिखें, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी आएगा, राजनीतिक पार्टियां और गवर्नमेंट आएगा, सरकार आएगा, लोगों की सोच आएगी, लोगों की सोच, लोगों की सलाह और सभ्यता और संस्कृति का भी इसमें बहुत योगदान है, तो सभ्यता और संस्कृति का योगदान तो तीन, और इसके अतिरिक्त अगर आपने कुछ लिखा हो तो आप उसको इंटरनेट पर जाकर सर्च कर ले कि ये सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तीसरे प्रकार की शासक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाने के लिए 1992 यानी 1992 में भारतीय संविधान में किए गए संशोधन के किन्हीं तीन प्रावधानों का, इसमें क्या है जो छोटे गवर्नमेंटल छोटे सरकारी जो संचालित क्षेत्र थे उसको थोड़ा पावरफुल किया गया और इलेक्शन के लिए सीट रिजर्व किया गया, दूसरा, तीसरा महिलाओं के लिए फिर इलेक्शन में सीट इलेक्टेड एरिया का सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। तो ये तीन चार पांच कारण थे जिसमें तीन कारण मैंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या कुछ व्यक्तियों या पार्टियों की विचारधारा नहीं है परंतु यह हमारे देश की नींवों में से एक है। देखिए, भारतीय संविधान की रचना, भारतीय स्वतंत्रता, इसमें केवल ऐसा नहीं है कि ओनली हिंदू, ओनली मुस्लिम, ओनली सिख, सारे लोगों ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया था यहाँ, तो डेट मीन्स कि हमारे देश की जो धर्मनिरपेक्षता है वो हमारे देश के स्वतंत्रता की नींव है। ओके, तो सो डैट ये कोई पार्टी या कोई व्यक्ति की विचारधारा नहीं है, ये जो धर्मनिरपेक्षता है वो हमारे स्वतंत्रता की नींव है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीयता का मुद्दा विकास के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उदाहरण बताइए। देखिए, धारणीयता का मतलब हुआ कि जो हमारे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उसका समान रूप से बंटवारा, समान रूप से बंटवारे से फायदा क्या है कि जो हमारा समान रूप से जब बंटवारा हमारा होगा तो इससे फायदा क्या है कि लोगों को मिलने वाली चीजें समान रूप से ऐसे में लास्टिंग बढ़ जाएगा चीजों की। जैसे अभी क्या है, पेट्रोल है, पेट्रोल क्या हुआ, पैसा निकालिए पॉकेट से, जाके आप कितना भी पेट्रोल भरवा लीजिए, लेकिन अगर फिक्स हो जाएगा कि नहीं आपको मंथ में, साल में इतना ही पेट्रोल मिलेगा, सबको इतना ही मिलेगा, तो ये इसका लास्टिंग बढ़ जाएगा, लोग थोड़ा सचेत होकर चलेंगे। तो धारणीयता का मुद्दा विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको अलग टाइप से भी अगर डिफाइन किए हो तो बिल्कुल सही है, ये ओन लिखा हुआ है क्योंकि मतलब इसको आप अलग अलग टाइप से अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। देश के विकास के लिए सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज आवश्यक है, किन्हीं तीन कारणों की व्याख्या कीजिए। देखिए, क्यों सस्ता होना चाहिए कर, क्यों सस्ता होना चाहिए कर्ज का परसेंटेज, इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो कि कर्ज का परसेंटेज सस्ता रहेगा तो लोग इसके बारे में जानेंगे कि चलो ये कर्ज सस्ता है, चलो इसको लेते हैं हम।
और अगला जो हमारा पार्ट है वो है कि दूसरा पॉइंट है कि लोग जब अफोर्ड कर सके कि चलो हम इतना कर्ज ले रहे हैं तो हम इसका परसेंटेज समेत इसका ब्याज समेत लौटा पाएंगे, और दूसरा अगर कर्ज सस्ता होगा तो जो लोग लेंगे वो लौटाने की क्षमता रखेंगे, ऐसा नहीं हुआ कि कर्ज महंगा है लिए और फिर लौटा ही नहीं पाए। तो ये तीन कारणों को मैंने यहाँ डाला है, इसके अतिरिक्त आपने कुछ और भी लिखा है, सो डेट उससे अगर कंसर्निंग है रिलेटेड है पूरा व्याख्या कर रहा होगा तो बिल्कुल आप मार्क्स फाइन करेंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। संगठित और असंगठित क्षेत्र की सेवा सेवा शर्तों में क्या अंतर है, इसको भी अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। संगठित जो है जो सरकार के अंतर्गत आता है, निश्चित रूल रेगुलेशन का पालन करता है, असंगठित क्षेत्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, प्राइवेट होता है, इसका अपना रूल रेगुलेशन होता है, ये वगैरह वगैरह आपने इंक्लूड किया है तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में शोषण से बचने के लिए बचाने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता कैसे फैलाई जा सकती है, किसी तीन, सबसे पहला है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट डेट मीन्स कि प्रचार प्रसार, पहला प्रचार प्रसार है। दूसरा उन्हें इसके बारे में शिक्षा देकर कि कहाँ से कौन सी सामग्री आती है, कैसे आती है, कितना परसेंटेज बनता है, एमआरपी क्या है वगैरह वगैरह, उनको इस बारे में शिक्षा देकर। और दूसरा और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि अलग अलग जगहों पर सरकारी दुकानें या सरकारी मॉल्स वगैरह वगैरह अगर खुले और उसमें निश्चित रेट रखा जाए तो सारे उपभोक्ताओं को बाजार में शोषण से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन और सक्षम परिवहन का जाल स्थानीय और राष्ट्रीय विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है कैसे, ये ट्रांसपोर्टिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया है। देखिए कोई भी देश है तो उसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब उसका व्यापार ही उसका मुद्दा होता है, उसके कमाने का जरिया होता है, सो डेट व्यापार के लिए ट्रांसपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। सघन और सक्षम जल परिवहन जाल चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए ताकि जो एक देश से दूसरे देश तक माल जा पाए, देश का जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छा रहे, बेस्ट रहे, और देश का इनकम होते रहे, इसके लिए देश का इनकम बना रहे, इसके लिए आपको सघन और सक्षम परिवहन जाल आपके लिए चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, भारत में उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या का कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव किस प्रकार बढ़ा रहा है, व्याख्या की। देखिए होता क्या है कि जो छोटे कंपनियां होती है, बढ़ती हुई जो कंपनियां हैं भारत में, उनका क्या है, निपटारा का कुछ नहीं, बस नदियों में अपना कूड़ा कचरा गिरा दिए। तो जितनी ज़्यादा कंपनियां बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा कंपनियां इंक्रीज होगी, उनका कूड़ा कचरा जाएगा, और यानी कि भारत में उद्योग बढ़ रहा है और जल संसाधन पर वो अपना कूड़ा कचरा डाल के और एक प्रकार का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं जल के लिए। मुद्रण क्रांति ने सूचना और ज्ञान के संबंधों को बदलकर लोगों की जिंदगी बदल दी, विश्लेषण करें। देखिए ये क्या है, मुद्रण क्रांति का मतलब हुआ कि जैसे होता क्या है कि जैसे आज पेपर देख लीजिए ना, पेपर की वजह से, न्यूज़पेपर की वजह से, टेलीविज़न मोबाइल ये सब ईमेल जो भी है, हम मुद्रण टेक्नोलॉजी, ऐसे तो टेलीविज़न मोबाइल ये सब मुद्रण में नहीं आया, बट जब मुद्रण आया तो लोगों में प्रचार प्रसार बढ़ा चीज़ों का, लोगों का जो विज़न था किसी चीज़ के प्रति वो क्लियर हुआ। तो इस टाइप से कंसर्निंग अगर आपने इसको क्वेश्चन किया, ये ओन है, देखिए ऊपर में मैंने लिख के भी रखा है, ये आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन, और अगर आपने किया ये सारी चीज़ें डाली है कि इससे लोगों में जो अज्ञानता थी वो दूर हुई, शिक्षा का थोड़ा प्रचार प्रसार हुआ मुद्रण क्रांति से, तो सो डेट ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो रिंडरपेस्ट है, ये एक प्रकार की बीमारी है, और ये बीमारी होने के बाद वहाँ के बहुत सारे लोग जो है जो बीमार हो गए थे 1890 के दशक में, 1890 के दशक में अफ्रीका में, और उनके आजीविका पर भी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जब लोग बीमार हो जाएंगे तो अपनी आजीविका नहीं चला पाएंगे, और जब लोग बीमार हो जाएंगे तो सरकार का के इनकम का साधन क्या है, लोग, वो टैक्स लेते हैं, वो अलग अलग टाइप का के टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, तो जाके सरकार चलती है। तो डेट मीन्स अगर लोगों की आजीविका ठप हो जाएगी तो कन्फर्म अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में बुनकरों के किन तीन समस्याओं का वर्णन करें। पहला चीज़ है इंग्लैंड में कॉटन मिल की स्थापना हो गई थी, दूसरा है इनका जो एक्सपोर्ट है यानी कि जो भेजने का आयात और निर्यात वो थोड़ा ठप हो चुका था, और इनका जो लोकल मार्केट है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के इंग्लैंड कॉटन मिल की वजह से साफ हो चुका था। तो 19वीं शताब्दी में भारतीय बुनकरों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें ये तीन है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान लंदन को साफ सुथरा करने के किन तीन कदमों को, देखिए उसके लिए हाउसिंग प्रॉब्लम यानी कि जो घरेलू कचरे थे उनके निपटारन के लिए किया गया, फिर वहाँ एक गार्डन सिटी या फिर ग्रीन सिटी का निर्माण किया गया ताकि जो कूड़े कचरे इधर के हैं वो ये हो सके, और
शहर का जो गंदगी है, शहर का जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा दूर हो सके, और उसके साथ ही न्यू ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी लाया गया कचरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, व्यक्ति की आज़ादी और गरिमा के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। ये लोकतंत्र के बारे में लिखना है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है, जैसे पीएम हो या मैं हूँ, ठीक है, दोनों के लिए सेम है। अगर मैं भी किसी इंसान के साथ कुछ गलत कर दूँ, कुछ कर दूँ, मान के चलिए कि कोई भी चीज़, चोरी, डकैती, मर्डर, तो मेरे लिए और पीएम के लिए, सीएम के लिए, सारे के लिए यही रूल है, ठीक है। अगर आरोप सिद्ध होता है तो उन्हें सज़ा मिलेगी, बट राजतंत्र में ऐसा नहीं है। राजतंत्र हो जाए और भी जो समस्याएं हैं उसमें, जो और भी जो सिस्टम से जो शासन पद्धतियां हैं उसमें जो फाइनल है वही है, वो रूल बनाएगा, वो करेगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आप कहीं भी हों, सबके लिए सेम है। सो डैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था, सो डैट इन दोनों को उसी तरह से डिफाइन करना था। अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार किस प्रकार विभिन्न देशों के बाजारों का एकीकरण कर रहा है। देखिए, विदेशी व्यापार क्या है, विदेशी व्यापार कर रहा है सभी देश का ये, जैसे अभी हम लोग फ्लिपकार्ट देख सकते हैं, अमेजन देख सकते हैं, तो ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां वहीं से अपना पूरा कारोबार चला रही है। तो ये क्या है, तो ये बाजारों का एक प्रकार का एकीकरण है। तो इससे संबंधित अगर कंसर्निंग आपने पॉइंट इंक्लूड किया है, देन यू विल गेट द मार्क्स। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के किन्हीं पार, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। राजनीतिक दल का काम है चुनाव लड़ना, अगर आप सरकार में आए तो आपके लिए काम करना, अगर आप विपक्ष में गए हैं तो सरकार ठीक से काम कर रही है कि नहीं देखना, फिर आप जिस क्षेत्र से जीतते हैं उसके एरिया में ये करना वो करना, ये सारी चीज़ें राजनीतिक दलों के लिए हैं, अगर आपने इससे कंसर्निंग आंसर किया। देखिए, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, सो डेट मैं ऐसा नहीं कि पाँच कुछ आपको बता दूँ और आप कन्फ्यूजन में चले जाए, बिल्कुल नहीं, उससे कंसर्निंग आपने आंसर किया है, सो डेट ये सही है। और ये आपके बुक से है, इसको मैंने आंसर नहीं किया है, इसको आप बुक से जाके मिला लो, अभी बने रहिए, अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, किस देश की आर्थिक उन्नति, किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से क्यों मापी जाती है। विनिर्माण उद्योग का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज। देखिए, कहीं भी कोई चीज़ अगर डायरेक्ट अगर उगाई जा रही है तो कुछ नहीं, लेकिन मैन्युफैक्चर हो रहा है तो ये एक हमारे, ये जो है जो देश के इकोनॉमिकल सिस्टम में बहुत एक होता है, बहुत ज़्यादा इसका योगदान होता है देश के इकोनॉमिक सिस्टम में मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रीज़ का, तो इससे कंसर्निंग पॉइंट आपने डाला है, सो डेट सही है। असहयोग आंदोलन किस प्रकार शहरी मध्यवर्गीय, हाँ देखिए, असहयोग आंदोलन जो था उसमें मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग ही तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं, तो मिडिल क्लास के लोग ने असहयोग आंदोलन में ये दिया, सपोर्ट दिया, तो असहयोग आंदोलन जो है जो सही रह सका, सही चल सका। इसी में एक क्वेश्चन था, कांग्रेस संगठन में महिलाओं को किसी भी महत्वपूर्ण पद पर जगह देने में क्यों हिचकिचाती थी, तो ये इसलिए क्योंकि वो महिलाओं की थोड़ी सी ये करते थे कि उनके कैपेसिटी पर थोड़ा सा संदेह था इन लोगों को, और एक बार कुछ मैटर भी हुआ था, शायद वहाँ पे इंक्लूड किया गया है, आप पढ़े होंगे तो उसको आप डाल देंगे कि उसकी वजह से फिर ये, लेकिन और जो राजनीतिक दलें हैं वो महिलाओं को दिया उन्होंने, और काफ़ी आगे भी ले गई महिलाएं अपनी कैपेसिटी से, बट कांग्रेस में ऐसा नहीं किया गया था, महिलाओं को कोई भी विशेष पद ज्ञात नहीं थे। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैप का है, सो डैट इसको देख के कैसे आंसर किया जाना है। 1918 और 1990 के दशक में भारत सरकार ने कृषि सुधार के लिए बहुत सारी चीज़ें की थी, कृषि सुधार के लिए बहुत सारे ट्रीटी, बहुत सारे रूल्स लाए थे, सो अगर आपने उन रूल्स को इंक्लूड किया है यहाँ तो आपको बिल्कुल मार्क्स इसमें गेन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो मैप का था तो मैंने उसको नहीं बनाया, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और मैं मैथ्स का भी केस सॉल्यूशन के पहले बहुत सारा मैथ का क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस मैं डालने जा रहा हूँ, सो डैट हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही, डैट्स इट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।